मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी और जो अभी G20 का चल रहा है मंसूबा हमारे ऑल इंडिया के अंदर या हमारे J&K के अंदर। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के कि हमारी कंट्री डे बाई डे डेवलप्ड हो रही है। मतलब पहले तो डरते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं जाके यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा माहौल बन जाएगा, कहीं पे भी मतलब ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह तो होता था, अभी वो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हमने यहाँ पर UNHRC में उन लोगों की आवाज़ उठाई है जिनको अभी तक दबाया जा रहा था, जो खुद की आवाज़ अपनी आप बीती खुद भी नहीं सुना पाते थे किसी को। एक वो दौर था दहशत का, उधर खौफ था उनके दिलों में, अभी भी है कि जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते हैं, जो अपने जस्टिस मांगने से डरते हैं। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। जैसे देखा जाएगा कि इससे पहले कश्मीर में वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो रही थी जो रोड के हवाले से अभी हो रही है। हर जगह जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ तक रोड पहुँच रहे हैं, मैग्नमाइज्ड हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में बन रहे हैं और स्पेशली टूरिज्म के हवाले से जानी मानी सी जगह है कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर वाकई। तो वहाँ पर अभी टूरिज्म के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जिनकी वसादत से हमें उम्मीद है कि कश्मीर का यूथ भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा और कश्मीर की यूथ को भी बेरोज़गारी उस चीज़ से दूर हो जाएगी। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी और जो अभी G20 का चल रहा है मंसूबा हमारे ऑल इंडिया के अंदर या हमारे J&K के अंदर। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के कि हमारी कंट्री डे बाई डे डेवलप्ड हो रही है और हम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं और हम बहुत ही कश्मीर अब तरक्की में आ रहा है। अभी आप देखिए कि कितना मौका मिला है कश्मीर के गर्ल्स को यूनाइटेड नेशन तक पहुँच के वो अपनी बात रख सके। हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम एज ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं और हम हर एक की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें कश्मीर में होली एंड सोली अमन रहना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि जिन्होंने कश्मीर में बहुत हालात अभी सुधारे हैं और भी उम्मीद है कि अब हम आवाज़ उठा रहे जिन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जो डर और दहशत के खौफ में रह चुके थे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए, उनकी आवाज़ बनकर हम यूनाइटेड नेशन में उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। ये बताइए कि काफ़ी यहाँ पे इंडिया में देखा हुआ नैरेटिव रखा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर में क्या हालात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहिए, उनको जस्टिस देना चाहिए, तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको आप कैसे निकालते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा बनाना ही है, तो वो कैसे कटोरी लेके बाकी कंट्रीज़ों में जाए?
मैं तो ग्रास रूट लेवल से आई हूँ, मैं कश्मीर की बाशिंदी रहने वाली हूँ, मैं कश्मीर की ग्रास रूट लेवल को जानती हूँ कि वहाँ कितना अमन है, हमें कितना डेवलपमेंट इस टाइम इंडिया वहाँ पर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक जो प्रोपेगेंडा बना रहा है अभी तक, अगर कश्मीर में खराबी हुई है तो पाकिस्तान ने की है। उस सारी प्रॉब्लमों का, उन सारी चीज़ों का जिम्मेदार पाकिस्तान है, जिन्होंने कश्मीर में कभी अमन नहीं चाहा। आप देखिए, आफ्टर आर्टिकल 370 हटने के बाद कभी भी आपने स्टोन पेल्टिंग तो नहीं देखी होगी वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट हमारे बच्चों को पेन और कॉपी हाथ में थमा रहे, उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? हम कश्मीरी नहीं चाहते कि हमें खून की नदियाँ वहाँ पर बहे। हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं कश्मीर बे जन्नत बेनज़ीर है, हमें वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए। तो पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा बनाने ही है। अगर वो ये भी नहीं बनाएगा तो कटोरी लेके वो फंडिंग करती है उसी चीज़ पर, जो बाकी कंट्रीज़ों से वो एड ले रहा है वो उसी चीज़ पर कश्मीर के नाम पर ले रहा है। मैं यही लेके आई थी यहाँ पे कि अपने बारे में, मैंने अपने बारे में बता दिया, आप लोगों ने सुना होगा 2003 में मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है, तब मैं छोटी थी 16 साल की, तो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तब से यहाँ आज तक मैंने बहुत कुछ झेला है। तो 2003 में हमारे घर पे कुछ टेररिस्ट आए थे, उनका निकाब बना था चेहरे पे, तो पता नहीं कि कौन लोग थे, बट जैसे उन्होंने मेरी सिस्टर को टारगेट बना दिया, मैंने उनको बचाने की कोशिश की, तो मैंने उनके रफल को पकड़ा, तो पीछे से एक बंदा और बैठा था, उसने मेरे पीछे से फायर कर दिया, तो उस वजह से मैं अपना हाथ खो बैठी हूँ। तब से आज तक तो पता ही, एक हाथ से मैनेज करना कितना प्रॉब्लम है, तो वो मैंने कर दिया। मैं अपने बच्चों को भी पाल रही हूँ, मेरे छोटे दो बच्चे हैं मेरे, तो उनका केयर करना मैं एक हाथ से, तो मैं खुद मैनेज करती हूँ। तो मेरी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया इस चीज़ में। मेरी भाई हैं और अभी मैं एक सिस्टर हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत कुछ झेला इस दौरान। तो उस टाइम के वैसे हालात थे तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली जो थी, जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो तब मैं 10th क्लास में थी, तो जैसे उनका सपोर्ट मिला, तो फिर मैंने अभी बीएड भी किया, तो अभी कर रही हूँ, चालू है बीएड मेरा। तो उन सब के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट यहाँ तक आने में भी किया है कि आप जाओ, मतलब अपनी बात रखो कहीं पे, कि आगे तो सुनने वाले कोई होते नहीं है। अपनी फैमिली थी तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया पूरा यहाँ तक आने का। बुशरा जी, आपने काफ़ी तकलीफ झेली है टेररिज्म के चलते कश्मीर के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कश्मीर में जो इसका शिकार हुई हैं, तो ये दहशतगर्दी जो है वो कौन उसके पीछे है और कितना लोग परेशान हैं? परेशान तो बहुत लोग हैं, लेकिन हम तो कहने से इस चीज़ के पीछे किनका हाथ है वो तो हम बता भी नहीं सकते। देखो, हमारे घर पे जब अटैक होता तब मैं छोटी थी, 16 साल की थी, तो आई डोंट नो कि कौन लोग थे वो, टेररिज्म कहाँ से आए थे, कौन से तंजीम के थे, टेररिस्ट थे भी कोई और तंजीम थी, कि पता नहीं था तब कि कौन से लोग हैं। अभी तो तब आना जाना भी होता था घरों में, सबके घर में, क्योंकि हालात वैसे ही थी, सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को। तो अभी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आस्ता आस्ता ठीक हो रहे हैं, कश्मीर का माहौल अभी सुधर रहा है। आपने तकरीर में बोला कि काफ़ी अभी देख रहे हैं कि बदलाव काफ़ी कश्मीर में हो रहा है। हाँ जी, तो किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं कि, और क्या आपकी उम्मीदें हैं? बहुत सारी बदलाव यहाँ रखी है कि मतलब पहले तो डरते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं जाके यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे माहौल बन जाएगा, कहीं पे भी मतलब ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह तो होता था, अभी वो बिल्कुल भी नहीं होता है, अभी आराम से इंसान इधर उधर जा सकता है। आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर बदलेगा और आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट भी देखेंगे? हाँ, उम्मीद तो हमें रखनी है कि बदलेगा कश्मीर, तो हम इसी उम्मीद पे हैं, जी रहे हैं अभी कि कश्मीर बदलेगा। बिश्रा जी, एक सवाल आखिर है आपसे कि यहाँ पे काफ़ी नरेटिव यूएन में भी आपने देखा होगा, रखा जाता है कि पाकिस्तान जो कश्मीर के बारे में हमेशा बोलता रहता है, ठीक है, तो आपकी क्या राय है कि क्या जो पाकिस्तान यहाँ पे नरेटिव रखता है, क्या आप उससे सहमत हैं? हम
इस बारे में कुछ बता नहीं सकते क्योंकि इतना मुझे नॉलेज है ही नहीं पाकिस्तान के बारे में। तो अभी सुनने में आया है कि मतलब अभी हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान के बारे में सुनते रहते हैं, पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है तो पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचा।